सब्सक्राइब कीजिए LON न्यूज चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले जानने के लिए। नमस्कार, नाइट ऑफ नेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको जिस हस्ती से मिलाने जा रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा मुकाम हमारे यहाँ के जंग युवा और बच्चों के बीच में वो पैदा किया है, जिससे कि वो युवा आज की पीढ़ी, आपको पता है कि डांस में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, इस चीज़ में बहुत अपना जो है इंटरेस्ट रखती है। और उसी इंटरेस्ट को देखते हुए हम आज ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जो ऐसे युवा पीढ़ी को आगे मौका देती है आगे नेशनल लेवल पर जाने का, क्योंकि हमारा जम्मू एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे बहुत कम लोग इनको मौका मिलता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है जहाँ की फिल्म इंडस्ट्री जहाँ से कोसों दूर है। और बहुत बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो जहाँ से ऐसे मुकाम पे जाना जाता है, जो अपना इस इंडस्ट्री लेवल पे फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहते हैं, कोई डांस में, कोई मॉडलिंग में, कोई एक्टिंग में। तो ऐसे ही आज हम आपको ऐसे शख्स मिला रहे हैं जो डांस के मास्टर हैं, कोरियोग्राफर हैं, सुनील डांसिंग इंस्टीट्यूट जम्मू से, और मिस्टर सुनील शर्मा, जो कि इनका प्रयास यही रहा है कि जम्मू के जितने भी लिटिल जो बच्चे हैं, जिनको आजकल जो आप टीवी पे देखते हो कि जो प्रोग्राम आते हैं डांस कंपटीशन के, और इनका प्रयास अभी तक सफल भी रहा है। आज उनसे एक छोटी सी मुलाकात में जानेंगे कि उनका ये प्रयास आगे कहाँ तक चलता रहेगा, और वो हमारे जम्मू के जो युवा पीढ़ी है उनको उनके इस मुकाम कहाँ तक उनको मुकाम में पहुँचाने की उनकी कोशिश है, और उनकी ये प्रयास किस हद तक आगे चलता रहेगा। आइए छोटी सी बात से उनसे ही जानेंगे, उनकी ये उनके ये जो व्यूज है उनके जुआनी जाने। आइए सबसे पहले आपका लाइट ऑफ नेशन में स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया। तो सबसे पहले आप हमारा हमें अपना परिचय, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दीजिए कि आप जुनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप कब से आपने इंस्टीट्यूट शुरू किया है, और कब से आपका ये कैरियर शुरू हुआ है इस फील्ड में, डांस इंस्टीट्यूट में जो आपने जो शुरू किया है जम्मू में, उसके बारे में आप बताइए। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं कोरियोग्राफर हूँ यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट का। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाइट ऑफ नेशन न्यूज चैनल का कि आज उन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे न्यूज़ चैनल जो होते हैं जिनकी वजह से आज हम अपना काम कर पाते हैं, और हमारे बच्चे, हमारा नया प्रोजेक्ट कौन सा होता है, नया शो कौन सा आ रहा है, एक इन्हीं के माध्यम से हम लोगों को तक पहुंचा पाते हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने आज अपना टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू, शुक्रिया सर आपका। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मेरा इंस्टीट्यूट यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि तकरीबन 23 साल से हम इसको चला रहे हैं। तो बाकी आप क्या चाहते हैं, तो पूछना चाहते हैं सर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जूनियर डांस का जो आपके अंदर ये प्रोफेशनल, या प्रोफेशनली डांसर हो, कोरियोग्राफर हो, आपके अंदर ये डांस की कला नेचुरली थी कि जहाँ आपने किसी को देख के आपको लगा कि नहीं मुझे भी इस फील्ड में जाना है, डांस का, डांस को अपना अपने कैरियर बना लिया है, यही आपका प्रोफेशन बन गया? तो उसके बारे में आप बताइए कि आपको ये प्रोफेशन आपने चूज किया ये किस बेस पे किया, कि किसी को देख के, जहाँ आपके अंदरूनी आपके अंदर कोई ऐसा था कि मैंने मुझे डांस ही करना है, मुझे अपना यही कैरियर बनाना है, इसी में जाना है? सबसे पहले मैं एक आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो सीखने से ही आती है। जितने भी लोग, जितने भी बच्चे घर में ट्राई करते हैं, यूट्यूब के थ्रू ट्राई करते हैं, टीवी देख के ट्राई करते हैं, वो एक डांस अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो एक रास्ता है, जो एक वे है, वो एक सीखने से ही आता है। तो चाहे आप जितनी मर्जी घर में प्रैक्टिस कर लें, लेकिन वो आपको सीखने से ही आएगा। और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि बच्चे आए हमारे पास सीखें, ताकि वो भी और आगे जाएं। बाकी इस प्रोफेशन में मेरे को 23 साल हो गए हैं, मेरे को बहुत शौक था डांसिंग का, मेरे को भी लगता था कि मैं भी किसी दिन ऐसी जगह पहुंचूं, अपना नाम बनाऊं, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करूं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूं। मेरा ये स्टार्टिंग से रहा है, इसलिए मेरा इस प्रोफेशन में आना हुआ। सर एक चीज़ और मैंने देखा, आपके कुछ बच्चे नेशनल जो डांस कंपटीशन होते हैं, जैसे जी टीवी पे हुआ, सोनी टीवी पे हुआ, उसके बारे में आप हमें डिटेल से बताइए कि कौन कौन से बच्चे आपके कौन से कंपटीशन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो किस लेवल पे आए, उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले 2009 में एक शो आया था सोनी टीवी पे, DPL डांस प्रीमियर लीग का आया था, उसमें संजय डोगरा लड़का था जो मेरे इंस्टीट्यूट से था,
वो उसने वहां पे पार्टिसिपेट किया और वो टॉप 80 में भी आया, जिसमें जो सेलिब्रिटी थे उसमें सलमान खान, अरशद वारसी, शामक डावर, पप्पू मालू मालू जैसे कोरियोग्राफर और हीरो मतलब वहां पे मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने डांस किया। उसके बाद 2013 में मिहिर गुजराल जो कि डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर के टॉप 36 में उसने वो मुकाम पाया और अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, मेरा नाम, सबका नाम उसने रोशन किया। ये रही मेरी अचीवमेंट। इसके बाद मेरे कुछ बच्चे इंडिया सुपर डांसर में भी पार्टिसिपेट किया उन्होंने, उसके बाद इंडिया बेस्ट डांसर में भी बेचारे जा रहे हैं बच्चे मेरे। अब नया शो आ रहा है कलर चैनल पे, उसमें भी बच्चे जा रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं हम जम्मू में एक AKG फिल्म्स के साथ कोलाबोरेशन करके, जिसमें हम जम्मू के लोगों को, जम्मू के बच्चों को, जम्मू के टैलेंट को हम फिल्म इंडस्ट्री तक लेके जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे कल से हमारे साथ जुड़ेंगे आमिर भाई जो जुड़ेंगे, जो कि AKG फिल्म मुंबई से है, तो वो भी अपना प्रोजेक्ट कल आपसे शेयर करेंगे। और हमारी यही कोशिश रही है, हमारी यही कोशिश है कि हम जम्मू के बच्चों को, जम्मू के लोगों को, जम्मू के टैलेंट को फिल्म इंडस्ट्री में लेके जाएं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, लोगों को अपने साथ जोड़ें, बच्चों को अपने साथ जोड़ें। मैं आमिर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए मेरा इंस्टीट्यूट चुना, उन्होंने जम्मू को चुना। मैं उनका भी बहुत 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 आभारी हूँ कि उन्होंने ये सोच लेके वो जम्मू आए हमारे पास। एक चीज़ सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट से डांसर आते हैं जब ये शोज होते हैं, लेकिन हमारा जम्मू है उसमें देखा जाता है बहुत कम हमारे पार्टिसिपेंट हमारे जम्मू से जाते हैं, इसकी वजह आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कमजोरी है, हमारा हमारा जम्मू जो इतना पिछड़ा क्यों रहता है इन चीज़ों में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, पिछड़ा नहीं रहता, मतलब टैलेंट बहुत है जम्मू में, बहुत टैलेंट है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको चाहिए एक प्लेटफॉर्म, जो कि उनको सही प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता। मैं कहता हूँ कि मेरी एक यही सजेशन है सबसे कि हमेशा बच्चा वहाँ पे डालिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपके बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है, एक अच्छी दिशा मिल सकती है, ताकि आपका बच्चा कहीं ना कहीं दूर तक पहुँचे। और यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट की हमेशा यही कोशिश रही है कि जो बच्चा यूनिक में आया है वो हमेशा किसी ना किसी शो में, किसी ना किसी प्रोग्राम में, किसी ना किसी चैनल में वो जुड़ा रहे, ताकि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते वो हमारे साथ जुड़े। और ये हमारा हमारी कोशिश रही है और हमारे काफ़ी हद तक ये कोशिश कामयाब भी हुई है कि हमारे बच्चे आज फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं, टीवी चैनल में भी आ रहे हैं, रियलिटी शो में भी आ रहे हैं, इसका यही रीज़न है। सर एक चीज़ और बताऊँ आपको, हमारा जो जम्मू है यहाँ पे आपको पता है हमारी संस्कृति डोगरा संस्कृति है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि डोगरा संस्कृति है, जब हम किसी बाहर स्टेट में पेश करते हैं तो वहाँ लोग उसको बहुत ही सराहते हैं, उस चीज़ को बहुत ही पसंद करते हैं हमारे डोगरा संस्कृति, लेकिन आप उस डोगरा संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या आप अपने इंस्टीट्यूट में भी उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने बच्चों को डोगरी डांस भी करवाते हो, उसके बारे में आपको क्या कहना? नहीं, ये तो है, सबसे पहले हमारी जो अपनी माँ बोली भाषा है, जो डोगरी भाषा है, हमारी यही कोशिश रही है कि हम अपनी भाषा को दूर तक लेके जाएं, आगे लेके जाएं। इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है, मेरा यही प्रयास रहता है कि कल को हमारा कोई भी शो होता है, जैसे हमारे एनुअल डे होते हैं, हमारे स्टेज शोज होते हैं, उसमें मेरी डोगरी आइटम्स तो होती ही होती हैं, वेस्टर्न चाहे कम होंगी लेकिन डोगरी तो उसमें होगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जैसे बाकी लैंग्वेजेस जो हैं वो आगे गई हैं, ऐसे हमारा जो डोगरी का है, डोगरी कल्चर जो है वो पूरी दुनिया में चाहे, और ताकि एक पहचान बने कि भाई जम्मू कश्मीर जो मतलब भाषा है डोगरी भाषा। और मैं बाकी अपने से भी, बाकी भी डांसिंग जो इंस्टीट्यूट है जो चला रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी डोगरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और अपने इंस्टीट्यूट में वेस्टर्न के साथ साथ डोगरी कल्चर को जरूर बढ़ावा दें और डोगरी डांस जरूर सिखाएं। अब हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जैसे हमारे लाइफ टाइम नेशन न्यूज चैनल के साथ साथ हमारा एक बेटिया फाउंडेशन एनजीओ भी है, जिसमें हमारे एनजीओ द्वारा बेटियों को उनको इस बेस्ट कार्य के लिए, चाहे वो स्टडीज में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो, मॉडलिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, उसके लिए उनको हमारी तरफ से, हमारी जो हमारी एनजीओ है उनकी तरफ से उनको सम्मानित किया जाता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि आप ही के जम्मू की वृंदा गुजराल जो कि एक्टिंग में, आज वो लड़की मुंबई में एक सीरियल में सेलेक्ट हो गई है, तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारी एनजीओ कोई काम करती है, आपकी आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे जितने भी आपको लड़कियाँ जो गर्ल्स जो आपके पास डांस के लिए आते हैं, तो उनको थोड़ी सी कंसेशन आपकी तरफ से की जाए, क्योंकि बेटियों की तरह लोग ज़्यादातर लड़कियों को कम ही इस चीज़ के इस फील्ड में डालते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि जैसे लड़के हर एक फील्ड में जाते हैं तो वैसे लड़के भी हर एक फील्ड में आगे होने चाहिए, जैसे एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, क्योंकि इस फील्ड में तो लड़कियों को थोड़ा सा घर वाले कम ही भेजते हैं।
तो हम ये चाहेंगे कि आप भी उन लड़कियों को थोड़ी सी हेल्प करो जो पुअर है, जो इतना पे नहीं कर पाती है, लेकिन उनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, तो उनको भी थोड़ा सा आगे आने का मौका दे। तो उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा इस इतने बड़े काम के लिए, इतने अच्छे काम के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। जैसे आपकी सोच है सुनील, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी ऐसी सोच है। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी, बाकी हमारा प्रॉमिस रहेगा कि अगर हमारे पास कुछ बेटियाँ आती हैं, कुछ ऐसा कोई टैलेंट आता है, तो हम उसको पूरा सब पूरे कोशिश करेंगे कंसेशन करने की। बाकी मैं आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि वो आपके एनजीओ से जुड़े, और मैं कह रहा हूँ कि आप अगली बार जब ऐसा प्रोग्राम करें, आप सबको साथ लेके चले, सब बेटियों को साथ लेके चले, और आपके आगे ले जाने से बेटियों का मनोबल बढ़ता है। और वो जो पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी सोच है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, बेटियों को बाहर नहीं भेजना है, जब आपके साथ वो एक बार एनजीओ के साथ जुड़ेंगे, जब एक बार प्रोग्राम देखेंगे, तो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली उनकी सोच बदलेगी, और पक्का वो आपके साथ एनजीओ के साथ जुड़ेंगे, और बेटियों के साथ वो आगे से कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। धन्यवाद सुनील जी, आपका लाइट ऑपरेशन पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनील शर्मा हमारे साथ यूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट कोरियोग्राफर थे, जिन्होंने अपने व्यूज बताए कि उन्होंने आज तक का अपना जो इनका इंस्टीट्यूट का कैरियर था वो किस तरह रहा, और उन्होंने उनके जो द्वारा बच्चों को जो सिखाया गया डांस वो किस लेवल पर पहुंचे, और आगे उनका ये भी हमारे हमारे लाइट ऑफ नेशन से मिलके उनको हमने अपने बेटिया फाउंडेशन के बारे में भी बताया, और उनको ये चीज़ अच्छी लगी, और हम चाहेंगे कि वो भी आने वाले जो ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घर से हैं, जो लड़कियां जिनके अंदर टैलेंट है, वो अगर पैसे की वजह से अपने टैलेंट को पीछे रख रही है, उस टैलेंट को पीछे ना रखे, वो इस जूनिक डांसिंग इंस्टीट्यूट में आए। और सुनील सर हमारे हमें लगता है कि उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया है कि उन लड़कियों की ये हेल्प करेंगे, और जितना हो सके इतनी हेल्प करके उनको उस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनका टैलेंट दुनिया भर में लाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं ये छोटा सा इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे साथ कैमरामैन कुलदीप शर्मा, मैं अमित कुमार, लाइट ऑफ नेशन।